स्कूल भी काउंसलिंग की बात कर रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहा है, आप लोग भी आजकल काउंसलिंग की काफी सारी चीजें सुन रहे हैं। ये वर्कशॉप है, बेसिकली हमारा और आपका इंटरेक्शन है, नथिंग मोर देन दैट, सो डोंट बी टेंस। करेक्ट, सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना आना चाहिए। आई थिंक इंडियंस आर एक्सपर्ट टू आस्क द क्वेश्चंस। ये आपको क्या लगता है कब से शुरू हुआ होगा ऐसा, या अभी कुछ ज्यादा हो गया है, स्कूल्स ने कर दिया है, कॉलेजेस में है, इवन देश के नेता भी इसके बारे में बोल रहे हैं, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग गुड और बैड इन द सोसाइटी। तो क्या लगता है आपको ये कब से शुरू हुआ होगा? सॉरी आवाज नहीं आ रही, बताइए कब से शुरू हुआ होगा? कोई भी फिगर, 5 साल, 10 साल, 50 साल, कब से? पिछले 5-1 साल से ज्यादा सुन रहे हैं। 5 साल से, very good। और from last 10 years I can see like that। 10 years। सर जब से ये नेटवर्क इंटरनेट आया तब से बच्चे बड़े डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, ये उसमें बिजी रहते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं, हर एनर्जी लेवल अपना वहां लगा देते हैं। तो लगभग 25 साल लगा रहे इंटरनेट को, 25 साल हुए नहीं, 25 साल तो नहीं सर, जब आप जब तक स्मार्टफोन आया है जब से सर, ऑनलाइन फोन 15-20 साल, नहीं 15-20 साल, अराउंड 10 इयर्स। कोई और अपनी फीडबैक देना चाहे इससे पहले ही मैं आंसर दूं? आप बता दीजिए। करेक्ट, थोड़ा सा हम दोबारा सोचें, क्योंकि आज हम हमारे ऊपर कई साल हम गुलाम रहे, जो लोगों ने हम पे राज किया या जो हमारे के बाद इंडिपेंडेंस डे जिन्होंने मनाया वो आज हमसे आगे हैं, तो हमारी थोड़ी सी थिंकिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। किस किस ने कालिदास का नाम सुना है? एक्सीलेंट, वी ऑल पीपल नो। किसने राजा भोज का नाम सुना है? मैंने अभी ये सवाल किया था आपको, एक नोट पढ़ा, नोट भी करते रहिए मेरे सवाल, अगर कुछ आपको लगे कोई पूछना है। राजा बोस काफी इंटेलिजेंट राजा माने गए हैं। तो एक दिन राजा जी खाली थे, जब आप लोग संडे को खाली होते हैं क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, बीवी को परेशान करते हैं, चाय बनाने के लिए पकौड़े, अगर बारिश हो जाए ऐसी तो पकौड़े भी बनाते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? सही बात है, बिल्कुल सही है। तो राजा जी ने क्या डिसाइड किया? He decided he was free, कि थोड़ा वॉक किया जाए, और वो वॉक करने शुरू किया तो कहां जाएंगे, लास्ट में वो मैगी चले गए अपने। अब उन्होंने देखा कोई रानी तैयार हो रही है, कोई मेकअप कर रही है, कोई अपना काम कर रही है, क्योंकि उस टाइम राजाओं की प्रथा थी पूरी रानियां ज्यादा रहती थी, आज तो एक ही अब रख लेने का बहुत बड़ी बात है। तो दो रानियां आपस में बाग में बैठी बातचीत कर रही थी। मेरे क्वेश्चन तक आप पहुंच जाए तो मुझे जरूर बताइएगा जो मैंने किया था। तो राजा हम जब कोई बात कर रहा होता है तो आदमी तो क्यूरियोसिटी में कैसे देखते हैं, धीरे से जाते हैं। राजा भी धीरे धीरे गया सुनने की क्या बात हो रही है, तो एकदम रानियों को देखा ले राजा आ गया स्टैंड अप, क्योंकि उस टाइम राजा की एक डिफरेंट वैल्यू होती थी, और उन्होंने स्टैंड करके हेलो किया और इधर उधर की दो चार बातें की और साइड हो गई। तो जब वो दोनों जा रही थी तो गलती से राजा को सुना कि एक रानी दूसरे रानी को कह रही है मूर्ख राजा। राजा को बहुत गुस्सा आया, तलवार पे हाथ चला गया, बट ही वाज इंटेलिजेंट, आप लोगों की तरह वो भी समझदार था, उसने तलवार वापस डाल ली कि इसने मूर्ख बोला है, पहले लॉजिक तो पता करो कि क्या इश्यू क्या है, क्यों बोल रही है। अब राजा को ये टेंशन हो गई कि पूछो किससे है, मजाक उड़ाएंगे लोग, हु इज द पर्सन। जैसे आप लोग कंपनियों में काम करते होंगे कि अच्छा डिपार्टमेंट होता है, सबकी सैलरी के इंक्रीमेंट भी होते होंगे, वो सबको प्यार से बुलाता है कमरे में और कहता है तेरा इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा किया, बताना मत किसी को, आपकी खुशी आते हो थोड़े दिन बाद पता लगता है सबका इतना होता। तो ऐसे बहुत सारे मंत्री होते हैं राजा के भी, उन्होंने बोला सर एक एक करके बुलाओ, इकट्ठे पूछोगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। अब
टेंशन और हो गई राजा को, उसने कहा ठीक है एक करके बुलाना। अब उसने कहा पूछूं कैसे, अब अगेन ये बार थिंकिंग कि मैं क्या पूछूं उनसे। सो देन ही थॉट ठीक है, रानी ने मेरे को मूर्ख बोला, मेरे को टेंशन हो गई, मैं सबको मूर्ख बोलता हूं भाई। अब जो भी जाता था वहां पे और जाने के बाद राजा बोलता रहा मूर्ख, राजा गुस्से में है यार, सोचा हाँ यस बॉस मूर्ख हूं मैं। तो राजा को लगा सब बेकार है, ये तो जीनियस बोल रहे हैं, हम भी ऐसे बॉस ही बॉस हों और हमारा बोल रहे हो तो हम ऐसे ही बोलते हैं। तो जब 15-20 आदमियों का नंबर ऐसे ही लग गया और 15-20 लोगों को ऐसे ही परेशानी हुई, तो उन्होंने कालिदास को पकड़ा कि इसको भेजते हैं बंदर, शायद शांति मिल जाए, राजा तो कुछ सुना गया। तो कालिदास अंदर गए, अब यहां से आप मेरी बात थोड़ा सीरियसली पकड़ना। कालिदास अंदर गए और उसने अंदर जाते ही राजा ने बोला मूर्ख कालिदास। कालिदास ने क्या जवाब दिया इसको सुनिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द काउंसलिंग एंड काउंसलिंग कहां से शुरू हुई। कालिदास ने बोला खादन न गच्छामि हसन न जम्पे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन गतम न सोचामि कृतं न मन्ने किं कारणं भोज भवामि मूर्ख। उस टाइम संस्कृत हमारी लैंग्वेज होती थी, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं तो मेरे ख्याल आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। कालिदास ने बोला मैं खाते हुए चलता नहीं, मैं इसे सोशल एनिमल मानते हैं ना, जानवर खाते हुए चलता है लेकिन हम लोग नहीं चलते, हम बैठ के खाना खाते हैं। कालिदास ने बोला खादन न गच्छामि मैं खाते हुए चलता नहीं, हसन न जल्पे जब मैं हंस रहा होता हूँ बात नहीं करता किसी, अगर आप हंस रहे हो किसी से बात करो तो यू विल फील वेरी मैं दूसरे बात आदमी बड़ा अजीब सा फील करेगा। और जो लास्ट में जो तीसरी लाइन है वो पकड़िएगा, उसने बोला गतम में सोचा मी कि राजन जो बीत गया उसकी मैं कभी चिंता ही नहीं करता। अंग्रेजों ने इसको नाम दिया डिप्रेशन, हम लोग प्रीवियस टॉक में रहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए डिप्रेशन। सिंपल लैंग्वेज, आज मैं इतना सिंपल साइकोलॉजी बता दूंगा आप सब साइकोलॉजी हो जाएंगे। गतम में सोचा मी मैं जो बीत गया उसकी मैं चिंता नहीं करता, कृतन ने मन ने किसी पे एहसान करके मैं कभी जताता नहीं। अगर हम एहसान करके किसी पर जताते हैं, अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया और आप उसी की दुनिया में घूम रहे हैं कि मेरे को फ्यूचर में इसका रिवार्ड नहीं मिला, तो आपको एंजाइटी हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। बहुत सिंपल है, डॉक्टर आपको बड़ी बड़ी लैंग्वेज बड़े बड़े वर्ड सुनाएंगे, मैं भी बताऊंगा साइकोलॉजी के आगे वर्ड, लेकिन इसको आसानी भाषा में रखिए तो दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। तो आप ध्यान तृप्तियों ने भवामी राजन, राजा को तो हाँ जवाब चाहिए था, उसने कहा दो लोग जब बात कर रहे हो तो मैं बीच में कभी नहीं जाता, मैं तीसरा घुसता नहीं। और आजकल हम ये कल्चर फॉलो करते हैं कि जब भी कोई लोग बात कर रहे हैं माउथ करके जाता। तो दो लोग जो बात कर रहे हो मैं जाता नहीं, जो काम हो चुका है उसकी मैं चिंता नहीं करता, राइट, किसी पे एहसान करके मैं जताता नहीं। और लास्ट में किन कारण भोज भवामी मूर्ख, हे राजन ये बता मैं मूर्ख क्यों। लेकिन हमें आदत हो गई है उसी सर्कल में घूमने की, दैट इज आवर प्रॉब्लम। इग्नोरेंस जो वर्ड है दैट इज अ करेक्ट वर्ड फॉर अस। हम ये सोचते रहेंगे बैठ के, आप सब लोगों ने किसी ने इंजीनियरिंग किया होगा, किसी ने कुछ और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया होगा, यू आर डूइंग अ गुड जॉब इन योर पैरामीटर, आप थोड़ा सा बैठ के आज एनालिसिस कीजिएगा, घर जाओगे तो कुछ लोग आपसे ऊपर होंगे सेम आपके ही क्लास के पढ़े हुए, कुछ आपसे नीचे होंगे, क्यों ऐसा, सेम सबने सेम पढ़ा है, एक ही चीज पढ़ी है, व्हाई इट इज हैपनिंग, इट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज सम पीपल आर थिंकिंग अबाउट देयर माइंड, सम पीपल आर डोंट इवन थिंक अबाउट। जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम उसकी चिंता ही नहीं करना चाहते।